नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने विकास सर IGS एकेडमी से। आज हम बात करने वाले हैं हमारे MPTET एग्ज़ाम की यूनिट 7 इंग्लिश में जो है उसमें एक टॉपिक है परसोनिफिकेशन। कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि परसोनिफिकेशन क्या होता है बेसिकली, और सिमिली, मेटाफर, परसोनिफिकेशन ये सब किसी को, कई स्टूडेंट्स को एक जैसे लगने लगते हैं। तो आज हम परसोनिफिकेशन ही समझने वाले हैं, पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। तो चलिए आप देखेंगे एक स्लाइड है, उसमें एक बड़ी सी डेफिनेशन और काफी एक्सप्लेनेशन लिखा है। ऐसी आपको बुक में भी बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन कई बार समझ में नहीं आता। तो चलिए इसको मैं अपने तरीके से शुरू करता हूँ समझाना। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक प्यारी सी, बड़े प्यारा सा सॉन्ग है, हालांकि सैड सॉन्ग है, लेकिन उसके बोल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पहली लाइन पे खासकर कि लव्स कितने ही लिपटे होंगे तेरे पैरों से, कद आखिरी तूने मेरा जब जलाया होगा, और जब फूल निकाले होंगे तूने किताबों से, देने वाला भी तो तुझे याद आया होगा। बिल्कुल पहली लाइन को याद रखें कि लव्स कितने ही लिपटे होंगे तेरे पैरों से। लव्स वर्ड्स हैं जो निर्जीव हैं और वो लिपट रहे हैं, जैसे कि कोई इंसान है, वो कोई जा रहा है उसके जीवन से, तो वो लिपट रहा है, यार मत जा। तो जो वर्ड्स हैं वो निर्जीव हैं, वो कैसे जीवित चीजों की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये दुख भरी शायरी या लाइन अच्छी ना लगे, गाना बहुत खूबसूरत तो सुन लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दूसरा गाना सुना दूं। गाना नहीं सुना रहा हूँ, लाइन सुना रहा हूँ कि आजा शाम होने आई, तो दूसरी लाइन सुनिए, मौसम ने ली अंगड़ाई। यहाँ कौन अंगड़ाई ले रहा है? मौसम। मौसम क्या अंगड़ाई ले सकता है? नहीं, मौसम तो नॉन लिविंग है, पर वो अंगड़ाई ले रहा है जैसे कि इंसान अंगड़ाई लेता है ना, तो अंगड़ाई ले रहा है। मौसम कैसे अंगड़ाई ले रहा है? लेखक कमाल है, लेखक ने ऐसा ढूंढा है कि बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, हवा चल रही है, जैसे मौसम अंगड़ाई ले रहा हो। तो यही परसोनिफिकेशन है मेरे भाई। होता क्या है, नॉन लिविंग में कुछ ऐसी चीजें जोड़ दो कि वो लिविंग लगने लगे, नॉन लिविंग में कुछ ऐसा जोड़ दो कि वो लिविंग लगने लग जाए, और यही परसोनिफिकेशन है। अब मैं पूरा पढ़ूंगा तो भी मैं वही समझाऊंगा जो आपने मेरे इस एक लाइन से याद कर लिया कि मौसम ने ली अंगड़ाई। तो वर्ड समझ लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ और आगे लिटरेचर से रिलेटेड प्लस कुछ और एग्जाम्पल भी है वो भी बता दूँ। तो वॉट इज परसोनिफिकेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? परसोनिफिकेशन इज व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू एन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है वो? इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट। इनएनिमेटेड यानी निर्जीव, जो एनिमेट ना कर सके, जिसमें जान ना हो, उसको ऐसा एट्रीब्यूट कर दो कि वो जीवित लगने लग जाए। जान लेवा मोड़ की गलती है क्या कि वो जान लेगा? भैया तुम गाड़ी तेज चला रहे हो, गलती तुम्हारी, लेकिन मोड़ को बोल दिया जान लेवा मोड़, ये मोड़ है ना? ये परसोनिफिकेशन है। इट इज यूज्ड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ एन आइटम और थिंग हैज परफॉर्मड एन एक्शन व्हेन इन रियलिटी इट इज नॉट। ये किसी भी शब्द के मीनिंग को कन्वे करने में काम आता है जो सच में नहीं होता। जैसे मौसम अंगड़ाई ले रहा है, सच में कैसे लेगा, लेकिन बोलने वाले ने बोला है ना कि जान लेवा मोड़, ये क्या है? जैसे बोले अरे आप तो अंगूठी पहन लो, तारे सितारे बदल जाएंगे, पत्थर है अंगूठी, अंगूठी में क्या लगा है? कोई रत्न, रत्न को पत्थर है, निर्जीव है, जान नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं आप पहन तो लो, आपके साढ़े साथी राहु केतु सब दूर हो जाएंगे आपसे। तो नॉन लिविंग को लिविंग की तरह मान लो, ताबीज पहन लेते हैं लोग, बोलते नहीं पावर है, पावर है, ये क्या है, एमुलेट पहनते हैं ना, ये पावर है नॉन लिविंग, मानते हैं ना लिविंग, यही परसोनिफिकेशन है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए है। दिस टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज एज अ लिटरेरी डिवाइस इन ऑर्डर टू मेक अ पीस ऑफ राइटिंग मोर विविड एंड डिस्क्रिप्टिव। ये लेखक को लेखन में बहुत ज्यादा विविधता देने में मदद कर देता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन ऑर्डर टू बेटर असिस्ट द रीडर। ये पाठक को भी मदद करता है समझने में, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड कैन मेक अ पीस ऑफ राइटिंग मोर ओरिजिनल एंड यूनिक इन इट्स नेचर। ये पढ़ने वाले को भी बड़े बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं परसोनिफिकेशन का। आइए कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और कोई गाना याद आया ना अगर परसोनिफिकेशन का बताइएगा जरूर। हाँ, अब अपन कुछ वर्ड समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास। द टैटर्ड हाउस अपीयर टू बी डिस्ट्रेस्ड। हाउस कैसा है? टैटर्ड, टूटा हुआ, और जो उसकी झुग्गी पट्टी पूरा टूटा हुआ है ना, बड़ा डिस्ट्रेस दिख रहा है, बड़ा बेचारा दुखी सा दिख रहा है, घर टूटा हुआ दुखी दिख रहा है,
अरे कैसे दुखी दिखेगा, देखने वाले को लग रहा है यार बेचारा टूटा हुआ दुखी है। द कार द रेड कार अनकाउंट मतलब ये है नॉन लिविंग हाउस, कौन है नॉन लिविंग, देख कैसा रहा है डिस्ट्रेस। रेड कार क्या कर रही है, स्क्रीम कर रही है, चीख रही है, जैसे इंसान चीखता है जब वो बहुत तेज चल रही है तो वो चीख रही है। द कार वॉज सफरिंग एंड नीडेड सम अटेंशन, अच्छा कार कह रही है भैया मुझ पर ध्यान दो मैं खराब हो रही हूँ कुछ तो करो, कार खुद बता रही है, तो ऐसा है नहीं कार खुद बता रही है लेकिन खराब हो रही होगी, हिचकोले खा के चल रही होगी इसलिए वो खुद कह रही है, ऐसा समझाया जा रहा है। द स्टार्स वर डांसिंग प्लेफुली इन द स्काई, जो तारे हैं वो आसमान में खेलियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तारे कैसे खेलेंगे भाई, ये सोचने वाला बोल रहा है ठीक है। He was aware that opportunity had come knocking his door. वो जानता था कि अवसर उसके घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अवसर दरवाजा नहीं खटखटा सकते नॉन लिविंग है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अवसर दरवाजा खटखटा रहे। My alarm clock loved to disturb me. मेरी जो अलार्म क्लॉक है ना उसे बहुत पसंद है मुझे सुबह सुबह परेशान करना, तो अलार्म क्लॉक को परेशान करना पसंद नहीं है, अलार्म में चाबी आप ही ने भरी है और वो उसी टाइम पे बज रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं यार मेरी घड़ी बहुत परेशान करती है, घड़ी कैसे परेशान करेगी भाई, लेकिन मान लिया नॉन लिविंग को लिविंग की तरह। द मून पीप्ड टू द क्लाउड्स इन द स्काई, यानी जो चांद है वो बादलों के बीच से झांक रहा है, झांकना तो इंसान का काम है लेकिन बादल भी जो है वो बादल से जो चांद है वो झांक रहा है, मतलब हरकतें बिल्कुल अंजले आशिक की तरह कर रहा है, वेरी गुड। द विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ पे मैंने बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ एक लेखक है, राइटर है, आप डेफिनेटली उनकी एक पोयम है आपने पढ़ी होगी डेफोडिल्स, उसमें उन्होंने एक लाइन यूज करी है, बिल्कुल ओपनिंग लाइन है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला आवारा बादल की तरह घूम रहा था, ये उसने कहा है। आई थिंक ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको पर्सोनिफिकेशन समझने में मदद करेंगे, आई होप आपको आज का वीडियो पर्सोनिफिकेशन का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन तीनों के वीडियो वन बाय वन अच्छे से बैक टू बैक देख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। बाय बाय।